जनपद मुरादाबाद के गांव हसनगंज में विकास को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और सभी ग्रामीणों ने वोट डालने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि विकास नहीं तो वोट नहीं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है केन सिंह। कौन से गांव के हो? ये गांव हसनगंज गांव हमारा। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको जो वोट पोलिंग नहीं कर रहे आप? हमारे साहब दिक्कत ये है कि हमारे गाँव में अगर कोई बीमार मरीज भी हमारा बीमार हो जाता है चौमासे में, तो हम मरीज को खाट पर जाकर ले जा सकते हैं, खाट पर डाल करके मरीज के लिए। ऐसी रास्ता कोई नहीं है जिससे हम अपने मरीज को मोटरसाइकिल पे या किसी वाहन पर बैठा के ले जा सकें। और पहले भी हर समय जब इलेक्शन आता है तो नेता लोग बातें करते हैं ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन आज तक लेकर के हमारे गाँव में जब से पोलिंग पढ़ाने का कब से पोलिंग हुआ एक रुपए की एक ईंट नहीं लगी है गाँव में, एक नाली कहीं नहीं लगी है। अच्छा, इससे पहले भी आप शिकायत करते थे, आज ही ऐसा क्यों? आज ऐसा क्यों सर, बहुत दिन हो गए, देखते देखते कहाँ तक सहन करें, अब तो हमारी आवाज़ को सुनने वाला ही नहीं है। फिर हमने सब लोगों ने पूरे गांव वालों ने मतलब ये है सोचा कि भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा पूरे गांव के लोग। कोई अधिकारी आया यहाँ पर? आप अधिकारी अभी तक तो सर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। पुलिस आई साहब, पुलिस हड़का रही, पुलिस वोट डालो ये है वो है। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। कौन से गाँव के निवासी हैं? हसनगंज पोस्ट मुंडा पांडे जिला मुरादाबाद। आप पोलिंग क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? पोलिंग पूरा गांव का यही कहना है कि गांव की रास्ता है, गांव का विकास जो रास्ता है चौमासा जब चलता है तो यहां पे निकलने के लिए पैर रखने के लिए जगह नहीं बचती है। यहां पे बीजेडी आ रही है, सभी पार्टियां हमारे घर पे अगर हम पार्टी करते हैं कहीं तो कहते हैं कि नरक में जी रहे हैं यहां पे, इतनी तो पूरी रास्ता हो जाती है। इसीलिए पूरे गाँव ने निर्णय लिया है कि जब तक गाँव का कोई विकास हमारी सुनवाई नहीं होगी जब तक हम पोलिंग चालू नहीं करेंगे। यही नारा एक ही है, पहले रोड बाद में वोट, जब ही होगा उसके बाद तब तक कोई वोट नहीं डालेगा। हमारे गांव को चारों तरफ चाहे मोदी हो योगी हो कोई, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमारे गांव के विकास से मतलब है, हमें किसी बात से किसी से लेना नहीं लेना नहीं। इससे पहले कभी शिकायत की आपने? शिकायत बहुत सारी शिकायतें की, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन लगाई, बहुत सारे नेता आए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। आप पोलिंग नहीं करोगे? पोलिंग नहीं करेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी गांव का, जब तक कोई विकास के बारे में कोई सुनवाई नहीं करेंगे तब पोलिंग तो पोलिंग जाएंगे भी नहीं उधर, हमारे भी नहीं जाएंगे। अच्छा, ग्राम प्रधान तो विकास नहीं कराएगा? ग्राम प्रधान जी है जो बस उनसे पूछो, जैसा भी है उनकी बुराई नहीं कर सकते वैसे भी।